आई एम आयरन मैन। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ आयरन मैन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था वो, जब अवेंजर्स एंड गेम में रॉबर्ट डाउनी जो आयरन मैन के कैरेक्टर था उनका डेथ हो चुका था। लोग इतने रो रहे थे, यू नो कहते हैं ना कि लव यू 3000 का जो डायलॉग था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था इस टाइम पे। यार बहुत ही इमोशनल सीन था, यू नो लोग ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से आयरन मैन को देखते आ रहे हैं और लेकिन आज वो साथ छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन RDJ के कैरेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ वापस सामने चल करके आई है। आयरन मैन का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वो आयरन मैन कभी वापस मार्वल के साथ काम नहीं करेंगे और आयरन मैन के कैरेक्टर की स्टोरी भी वहीं तक थी। लेकिन उड़ते उड़ते क्या अभी बिल्कुल ही खबर आ चुकी है और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि अभी मार्वल के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। डॉक्टर डूम के रोल में वो नजर आने वाले हैं और 2026 में जो रिलीज होने वाली है अवेंजर्स डूम्सडे, उसमें वो डॉक्टर डूम के रोल में नजर आएंगे। तो काफी धमाकेदार होगा जब वो इस फिल्म में वापस से दिखेंगे और अवेंजर्स की सीरीज में आप उसको रॉबर्ट डाउनी को देख पाएंगे बट इन डिफरेंट कैरेक्टर। तो डिफरेंट कैरेक्टर ये है कि डॉक्टर डूम जो है वो बहुत ही पावरफुल विलेन है, लाइक वो नेगेटिव रोल में आपको नज़र आने वाले हैं। लाइक थेनोस को आपने देखा ही होगा, तो आप यूँ कह लो कि एक तरीके से ये थेनोस से भी कम नहीं थे। डॉक्टर डूम्स काफ़ी पावरफुल है, उनके अंदर में बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर है। अगर मोटा मोटी मैं कहूँ तो थेनोस को आप विलेन कहते हैं, थेनोस को आप बाप कहते हैं, तो ये उसका दादा है डॉक्टर डूम। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।